हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है क्लास सेवन हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली शुरुआत से ही एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, चाहे महाभारत काल हो, अंग्रेजों का काल हो या आज का। दिल्ली भारत की राजधानी रहा है। महाभारत में इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जो महाराज युधिष्ठिर की राजधानी बना। फिर अनेक मुगलों ने इसे अपनी राजधानी बनाया, अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाया और वर्तमान में भी दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दिल्ली राजधानी बनाने का मुख्य कारण क्या था? बच्चों, कोई भी देश या राज्य उस नगर को अपनी राजधानी बनाता है जो नगर राज्य या देश के मध्य में हो। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली तो भारत के मध्य में नहीं, फिर दिल्ली राजधानी कैसे है? तो इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना। जैसा भारत आज हम देखते हैं, भारत ऐसा नहीं था। समय समय पर भारत के टुकड़े होते रहे और भारत खंडित होता रहा। एक समय ऐसा था जब अफगानिस्तान, तिब्बत, म्यांमार ये सभी भारत के अंग थे। उस समय के भारत को अखंड भारत कहा जाता है और उसी अखंड भारत में दिल्ली भारत के मध्य में पड़ता था। इसी वजह से दिल्ली को राजधानी बनाया जाता था। तो दिल्ली का अगर हम मध्यकालीन युग में, जिसके बारे में आप लोग अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं, कि उस युग की बात करें, तो दिल्ली को राजधानी बनाने में सबसे पहले नाम आता है तोमर राजपूत वंश का। ये वंश वो है जिसका कहा जाए तो ताल्लुक पृथ्वीराज चौहान से। इस वंश के जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे, उनका नाम था अनंगपाल तोमर और ये पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। पृथ्वीराज चौहान, हम सभी उनका नाम जानते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान अपने नाना के बाद दिल्ली के राजा बने 1175 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, पढ़ा होगा कि उनका युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ और मोहम्मद गौरी उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ईरान ले गया था। वहां उनकी हत्या हो गई थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी मोहम्मद गौरी को मारने के बाद। तो उसके बाद दिल्ली कुछ समय तक सूनी रह गई, वहां पर किसी का शासन नहीं था, जिसका लाभ उठाया तुर्की के शासकों ने। तुर्की एक देश है जिसे आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं। वहां से एक शासक आया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और धीरे धीरे इसी तरह सुल्तान बढ़ते चले गए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ पुरुषों ने शासन करा। रजिया नाम की एक महिला जो दिल्ली की सुल्ताना भी बनी थी और ये अपने आप को सुल्तान कहलाना ही पसंद करती थी और इसे रजिया सुल्तान के नाम से आज जाना जाता है। तुर्की के शासकों के बाद वंशवाद यहाँ पर शुरू हो गया, यानी कि राजा उसके बाद उसका बेटा राजा। तो सबसे पहला जो यहाँ पर प्रमुख वंश बना वो था खिलजी वंश और उसके बाद आया तुगलक वंश। खिलजी और तुगलक ये दोनों ही भारत से आए थे और इनका जो बड़े शासक रहे, जिनके इतिहास में नाम वर्णन है, वो थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद आया सैयद वंश और उसके बाद आया लोदी वंश। सुल्तानों की श्रृंखला में लोदी वंश अंतिम माना जाता है, जिसका अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, जिसे मुगलों ने पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था। बाबर के द्वारा उसे हराया गया था और उसके बाद दिल्ली में सुल्तान की जगह बादशाह शुरू हो गए थे। हालांकि दोनों एक ही हैं, सुल्तान कहें, राजा कहें या बादशाह कहें, लेकिन शब्दों का फर्क आ जाता है। मुगल अपने आप को बादशाह कहलाना पसंद करते थे बजाय सुल्तान के, और दिल्ली में सुल्तानों का दौर समाप्त हो गया। अब इन सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी कहां कहां से मिलती है? तो हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है पुराने सिक्कों, पुराने भवनों, पुराने लेखों, कुछ इंस्क्रिप्शंस और डॉक्यूमेंट्स की बात से। इनके बारे में जानकारियां वहां लिखी जाती थी, उन्हें संरक्षित किया जाता था और आज के हमारे आर्कियोलॉजिस्ट इन्हें ढूंढते हैं, इनको निकालते हैं और इनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। बहुत सारे मकबरे
इन सुल्तानों के आज भी दिल्ली में देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, तो दिल्ली में स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, उसी जगह पर इसका मकबरा भी है। अब ये चीजें, इनके बारे में बनाता कौन था, तो इनको बनाया जाता था इनके मित्र लेखकों, दरबारियों, कवियों, इन लोगों के द्वारा। ये लोग इनके बारे में लिखते थे और उन्हें संरक्षित कर दिया जाता था ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनके बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकें, ठीक उसी प्रकार जिस तरह हमारे ग्रंथ सुरक्षित रखे जाते हैं। अब ये जो दिल्ली तो छोटा सा है, लेकिन दिल्ली का महत्व बड़ा था। ऐसा माना जाता था कि दिल्ली पर जिसका शासन है पूरे देश पर उसी का शासन है, तो दिल्ली को से सल्तनत का विस्तार करना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक नया तरीके के शहर बसाए गए जिन्हें कहा जाता है गैरिसन शहर या गैरिसन टाउन, जिसे हम आज की भाषा में छावनी कहते हैं। यानी कुछ ऐसे नगर थे जहां पर सेना को ही बसाया जाता था, सिर्फ सैनिक ही उस नगर में रहा करते थे और सुदूर इलाकों में नगरों को बसाया जाता था। जैसे दिल्ली से सैनिक बंगाल जाते थे, दक्षिण भारत में जाते थे, राजस्थान जाते थे, कश्मीर जाते थे, ये शहर में सिर्फ सैनिक ही हुआ करते थे, और यदि युद्ध लड़ना हो तो इन शहरों से तुरंत सेना किसी भी इलाके में पहुंच सकती थी। अब जो दिल्ली पर दो सुल्तान वंश ऐसे रहे जिन्होंने दिल्ली को बहुत ज्यादा प्रभावित करा, एक था खिलजी और एक था तुगलक। अब थोड़ा सा डिटेल में इन दोनों वंशों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो खिलजी वंश था और तुगलक वंश था, वैसे तो दोनों ही बाहर से आए थे, दोनों भारत के नहीं थे, लेकिन इन्होंने बाकी सुल्तान वंशों के मुकाबले अधिक ज्यादा समय तक दिल्ली पर शासन करा, और इन दोनों के मध्य कुछ समानताएं भी थी और कुछ असमानताएं भी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समानताओं के बारे में। तो समानता ये थी कि इनके दरबार में जो दरबारी बनाए जाते थे, मंत्री, सेनापति, सूबेदार, उनमें से अधिकतर गुलाम होते थे। उन गुलामों को बाहर से खरीद कर बुलाया जाता था। उदाहरण में आपके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो आपने पद्मावत फिल्म जरूर देखी होगी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे वफादार व्यक्ति था, जिसका नाम था गुलाम गफूर, वो एक गुलाम था, इसी वजह से इसके नाम के आगे गुलाम लगाया जाता था, और बाद में चलकर वो उसका सेनापति भी बना। ये प्रथा दोनों में समान रही, दोनों अपने सबसे विश्वासप्रस्त गुलामों को ही अपने दरबारी नियुक्त करते थे। लेकिन समस्या एक और रही, वो ये थी कि इन सुल्तान वंशों के नाच बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाए जिस तरह मुगल चले। तो ये समस्या थी कि जो गुलाम होते थे वो एक व्यक्ति के प्रति वफादार रहते थे, ना कि पूरे वंश के। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम दिखाया गया था, गुलाम गफूर, अलाउद्दीन खिलजी का तो वफादार रहा, लेकिन उसके बाद आने वाले शासकों का यानी उसके बच्चों का वफादार नहीं रहा। यही समस्या तुगलकों के साथ भी रही, यानी उनका जो गुलाम रहा उस पर्टिकुलर राजा के साथ तो वफादार था, लेकिन जो उसके बाद उसकी पीढ़ियां राजा बनती उनके साथ वो वफादार नहीं होते थे। दूसरा, इन्होंने अलग अलग इलाकों में सूबेदार नियुक्त करे। ये सूबेदार सेना को संभालते थे और उन्हें कुछ जमीन दे दी जाती थी, कुछ कोई नगर, कोई गांव, कोई बड़ा शहर दे दिया जाता था, जिसे कहा जाता था इक्ता, और इन सूबेदारों को इक्तेदार भी कहा जाता था। अब सेना जब होगी तो उसको सेना को वेतन भी देना होता है, तो ये वेतन देने की जिम्मेदारी इस इक्तेदार की ही होती थी। जो नगर इन्हें मिलता था, इन्हें कहा जाता था कि वहां से जनता से टैक्स ले और अपने सैनिकों को जितना वेतन देना चाहते हैं दे, लेकिन जो मुख्य राज्य है यानी राजा का जो कोष है वहां पर इन्हें तय किया गया पैसा भिजवाना पड़ता था। उसके बाद जो बचा उसमें जितनी सेना को तनख्वाह देना चाहते हैं दे, और जितना अपने पास रखना चाहते हैं अपने पास रखें, इनको पूरी छूट होती थी। ये बात दोनों में लागू थी, तुगलक और खिलजी। अब टैक्स जिस जो इकट्ठा किया जाता था राज्य को चलाने के लिए, वो तो तीन जगहों से आता था। देती तो आम जनता ही थी, लेकिन आम जनता को तीन तरह के टैक्स देने पड़ते थे।
पहला टैक्स था कृषि पर, कि आम जनता का मुख्य कार्य कृषि होता था, तो वो जितनी कृषि करते, जितना अनाज उगाते, उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ता था। दूसरा होता था जानवरों के रखने पर। आमतौर पर पुराने जमाने में हर घर में कोई ना कोई जानवर अवश्य होता था, चाहे वो गाय हो, भैंस हो या घोड़े हो, क्योंकि आज के समय में घोड़ों का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलता, लेकिन पुराने समय में यातायात के लिए घोड़ों का काफी इस्तेमाल किया जाता था। और तीसरा तरह का जो टैक्स होता था वो लगता था घरों पर, जो भी घर बनाता छोटा है तो कम टैक्स, बड़ा बनाया तो ज्यादा टैक्स, इस तरह से टैक्स इकट्ठे किए जाते थे, और ये जो है दोनों में समान था। अब बात करते हैं इनके बीच आने वाले डिफरेंसेस की, असमानताओं की। इन्हीं असमानताओं से पता चलता है कौन सा वंश ज्यादा समय तक टिक पाया। तो खिलजी वंश ज्यादा समय तक टिका तुगलक वंश के मुकाबले, हालांकि राजा तुगलक वंश में ज्यादा हुए, यानी सुल्तान तुगलक वंश के ज्यादा रहे, लेकिन वो कुछ कुछ समय बाद बदलते रहे। अब जानते हैं उनके कारणों के बारे में। तो पहला जो डिफरेंस था इन दोनों में वो ये था कि खिलजी ठहराव पसंद करने वाले सुल्तान थे, जबकि तुगलक आक्रामक सुल्तान थे। दूसरों पर हमला करने में तुगलक विश्वास रखते थे और खिलजी बाहरी हमलों से अपनी सुरक्षा में ज्यादा विश्वास रखते थे। तो इन दोनों पर ही विदेशों से आक्रमण हुए, और विदेशों से आक्रमण करने वाले थे मंगोलिया के रहने वाले लोग, उनका राजा था चंगेज खान। इन दोनों पर ही हमले हुए। तो हमलों को रोकने के लिए क्या किया गया, खिलजी ने एक बड़ी सेना का निर्माण किया और उस सेना को सुरक्षा के दृष्टि से सीमाओं पर लगा दिया। जबकि हमलों को रोकने के लिए तुगलक ने क्या किया, तुगलक ने अपनी सेनाओं को उन्हीं के देश पर यानी मंगोलिया पर हमला करने के लिए भेज दिया। हालांकि उसे जीत भी मिली, लेकिन इस बात से पता चलता है कि तुगलक जो थे वो आक्रामक थे और खिलजी रक्षात्मक थे, वो डिफेंस करना चाहते थे बजाय अटैक करने के। दूसरा बड़ा कारण ये आता है कि जो गैरिसन टाउन बनाए जाते थे उसको लेके दोनों की सोच में अंतर। जो खिलजी ने अपने राज्य में अपनी सुरक्षाओं के लिए गैरिसन टाउन बनाए, इसके लिए इसने नया शहर बसाया, खाली जमीन पर नए किले बनाए, नए घर बनाए, वहां अपने सैनिकों को रखा। जो इसने शहर बनाया था दिल्ली के निकट, उसे सीरी नाम से जाना जाता था। और जो तुगलक था उसने क्या किया, तुगलक ने दिल्ली शहर के एक हिस्से में से सारे निवासियों को हटा दिया और वहां अपनी सेनाओं को बसा दिया। अब इसमें समस्याएं भी आई और लोग इस तुगलक के खिलाफ भी हो गए। जिस इलाके से इसने दिल्ली में लोगों को हटाया और अपने सैनिकों को रखा, वो इलाका कुहना के नाम से जाना जाता था। अब आती है सैनिकों के लिए भोजन की बात। तो खिलजी ने यहां भी चतुरता दिखाई और गंगा यमुना के बीच की कुछ भूमि को सिर्फ सैनिकों के लिए छोड़ दिया, यानी वहां से जो अनाज पैदा होगा वो सिर्फ सैनिकों के काम आएगा, अन्य कोई उस अनाज का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन तुगलक ने क्या करा, तुगलक ने ज्यादा मेहनत करने की बजाय अतिरिक्त कर लगा दिए अपनी जनता पर। अतिरिक्त कर लगाने के कारण महंगाई बढ़ गई और जनता में रोष उत्पन्न हो गया। वेतन भी देना जरूरी होता था सैनिकों को। वेतन हालांकि आता तो टैक्स के द्वारा ही था, जिसे इकतादारी इकट्ठा करते थे, लेकिन दोनों की नीति में कुछ अंतर था। अंतर ये था कि जो खिलजी के सैनिक थे उन्हें नगद वेतन दिया जाता था सोने चांदी के सिक्कों के रूप में। अब सोना और चांदी दोनों ही मूल्यवान धातुएं हैं, कीमती धातुएं हैं, तो उनसे बने सिक्कों का मोल होता था और हर किसी के पास ये बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होती थी। लेकिन तुगलक ने क्या करा, इसने कहा कि भाई सोने चांदी के सिक्के हम नहीं बनाएंगे, इसकी जगह पर हम लोग संकेतात्मक मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसी मुद्रा जो वैसे कीमती ना हो लेकिन उसकी वैल्यू हो, जैसे हम आज की तरह नोट इस्तेमाल करते हैं पैसे के लिए। तो देखा जाए तो नोट एक कागज का सिंपल टुकड़ा है लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसा ही मुद्रा इसने इस्तेमाल करने की सोची। सोने चांदी की जगह इसने तांबे के सिक्कों को बनवाना शुरू कर दिया। तांबा एक सस्ती धातु थी जो आमतौर पर हर घर में मिल जाती थी।
अब क्योंकि सिक्के बनाने के लिए बड़ा मुश्किल काम नहीं है सिक्के बनाना, धातु को पिघला कर आसानी से सिक्के बनाए जा सकते हैं। एक पुराने सिक्के को लेकर उससे मुहर भी बनाई जा सकती है जो सिक्कों पर छापी जाएगी। तो इसके राज्य में नकली सिक्के तेजी से बनने लगे और ये कारण था कि महंगाई और ज्यादा बढ़ने लगी। अब प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो थी वो खिलजी के वंश में ज्यादा बेहतर थी। खिलजी ने अपनी आम जनता के लिए टैक्स कभी नहीं बढ़ाए, महंगाई को कंट्रोल में रखा और ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इसकी आम जनता ज्यादा परेशान हो। लेकिन तुगलक ने अजीबोगरीब फैसले दिए, महंगाई इसके राज्य में तेजी से बढ़ी, इसने राज्य में नकली सिक्के बनने लगे, इनके राज्य में अतिरिक्त कर लगाए गए, अतिरिक्त टैक्स लगाए गए, जिस वजह से जनता में रोष बढ़ता चला गया और इसके राजा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। थोड़े थोड़े समय बाद विद्रोह होता, राजा को मार दिया जाता, उसकी जगह कोई और राजा बनता, लेकिन खिलजी वंश के साथ ऐसा नहीं था। इसके राजा जो बने तुगलकों के मुकाबले लंबे समय तक वो गद्दी पर बैठे। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ आज यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें।